आप लोग तो रोज खाते हैं लाला जी के यहाँ, आप लोग रेगुलर कस्टमर हैं। और आप लोग कहाँ से आए हैं सर? मायापुरी से। मायापुरी से ही हैं? वाह, तो रोजाना खाते हैं लाला जी के हाथ का? नहीं नहीं, आज पहली बार। आज पहली बार आए हैं, क्या बात है। तो कैसा बनाया है लाला जी? एकदम बढ़िया। और क्या लिए हैं आप खाने में? हमारा है कढ़ाई पनीर और एक आलू गोभी और दाल। तो जरा सर इसका रेट बताइए, कढ़ाई पनीर क्या रेट रखे हैं लाला जी? 10 नंबर दाल मखनी 10 में से 10। तो 10 में से 10 नंबर दे रहे हैं सर। और इसका जो रेट है कढ़ाई पनीर का, ये हाफ प्लेट 40 का है, फुल प्लेट 80 का। थैंक यू सर। तो आप लोग रोजाना आना पसंद करेंगे लाला जी के ढाबा पे? हाँ जी, बोलिए कुछ तो। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार, आज हम आ गए हैं लाला जी के ढाबे पे और आज हम बनाएंगे कढ़ाई पनीर, जो कि आप लोगों का रिक्वेस्ट है। कढ़ाई पनीर कैसे बनाते हैं ढाबे वाले, तो आज हम लेके आ गए हैं कढ़ाई पनीर। और आज का जो कढ़ाई पनीर बनने वाला है लाला जी बनाएंगे, और बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही झटपट बन जाता है ये कढ़ाई पनीर। तो आइए जान लेते हैं लाला जी से कि कैसे बनाते हैं अपने ढाबे पे कढ़ाई पनीर। तो देखिए, कढ़ाई पनीर के लिए दोस्तों सबसे पहले तो शिमला मिर्च का होना बहुत जरूरी है। 3 तरह का आपको शिमला मिर्च लेना है, लाल, पीला, हरा। इस तरीके से आप छोटा छोटा पीस में काट लें शिमला मिर्च को। ये देखिए इस तरीके से काट रहे हैं। 3 तरह का शिमला मिर्च लेते हैं ना, इससे आपको जो टेस्ट है ना 4 गुना मिलेगा। आप 1 तरह का शिमला मिर्च से भी बना सकते हैं कढ़ाई पनीर, लेकिन 3 तरह से बहुत ही बेहतरीन बनता है। ये सब अलग अलग फ्लेवर का होते हैं शिमला मिर्च। तड़का में चाहिए हमें धनिया और साबुत लाल मिर्च। प्याज को देखिए इस तरीके से क्यूब निकाल लिया गया है। मसाला में चाहिए हमें धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, किचन किंग और लाल मिर्च पाउडर। और देखिए पनीर है ये 1 केजी, और 1 केजी के हिसाब से यहाँ पे मसाले हम बता रहे हैं आपको। तो देखिए इस तरीके से सारा का सारा शिमला मिर्च को काट के रख ले रहे हैं लाला जी। मसाला भी तैयार है दोस्तों, अब चलते हैं फटाफट कढ़ाई पनीर बना लें, किस बात की देरी। तो देखिए सबसे पहले कढ़ाई में हम तेल डाल देंगे। तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा हम इसमें डाल देंगे ये जो प्याज का क्यूब निकाले हैं ना वो, और साथ के साथ ये लाल पीला हरा मिर्च भी, शिमला मिर्च। और देखिए इन सभी को हमें भूनना है, ज़्यादा देर के लिए नहीं, बिल्कुल फ्लेम हाई है। और यहाँ पे हम इसे मात्र 3 से 4 मिनट के लिए भूनेंगे, बस इसे क्रंची भून के निकाल लेना है। तो हमारे बहुत से प्यारे प्यारे व्यूअर्स का रिक्वेस्ट था, तो मैं कैसे ना लेके आती। और आप सभी को क्या क्या रेसिपी चाहिए कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, हम कोशिश करेंगे धीरे धीरे एक एक करके सारा रेसिपी लाएं। तो देखिए दोस्तों, बस ये हमारा शिमला मिर्च और प्याज भुनी गया है। इधर हम देखिए पनीर का छोटा छोटा क्यूब काट लेते हैं। तो पनीर का क्यूब अपने पसंद के अनुसार आप छोटा बड़ा रख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा बड़ा बड़ा ही रखेंगे लाला जी, देखिए इतना बड़ा, ये देखिए ये नॉर्मल साइज है। इसी साइज का आप काट सकते हैं, या इससे छोटा या बड़ा काट सकते हैं। सारा पनीर को हम काट लेंगे। और यहाँ पे देखिए ये शिमला मिर्च भी भून के तैयार हो गया है, अब इसे झटपट हम निकाल लेते हैं। इस तरह से हम चलाते हुए इसे भून लिए हैं, देख सकते हैं कितना भुना हुआ है, ये क्रंची है। ये देखिए, तो ये लोहे के कढ़ाई में हम बना रहे हैं कढ़ाई पनीर, बहुत ही मजेदार बनता है। तो आप भी अगर आपके घर में लोहे की कढ़ाई हो तो बनाइएगा, नहीं तो नॉर्मल कढ़ाई में भी बना सकते हैं। तो देखिए हम एक छन्नी में इसे निकाल निकाल कर रख दे रहे हैं कि जितना भी एक्स्ट्रा तेल है सारा निकल जाएगा। अब देखिए यहीं पे हम रिफाइंड ऑयल डाल लेते हैं, और इसमें डालेंगे हम लाल मिर्च और साबुत धनिया, इसे धनिया का बीज भी बोला जाता है। और यहीं पे हम टमाटर 1 केजी पीसे हैं। तो देखिए ये टमाटर प्यूरी डाले हैं, टमाटर को पीस लिए हैं, टमाटो प्यूरी बन गया है। और यहाँ पे हम 3 स्लाइस ब्रेड को भिगा के और टमाटर के साथ पीस दिए हैं,
और उसमें डाले हैं 250 ग्राम पनीर, टमाटर ब्रेड और 250 ग्राम पनीर। आप इसकी जगह पे डाल सकते हैं काजू और मगज। तो देखिए ये कुल मिला के टमाटर इसमें 1 केजी डाला हुआ है और शिमला मिर्च है 1.5 केजी और 1 केजी प्याज है और यहीं पे पनीर भी 1 केजी है। तो इन हिसाब से हम डाल रहे हैं इसमें टमाटो प्यूरी। यहीं पे 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं। अब अच्छा से हमें भूनना है। तो सारा का सारा हम मसाला जो लिए थे यहीं पे डाल देंगे। तो देखिए मसाला में है धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, किचन किंग, देगी मिर्च। किचन किंग का मात्रा इसमें ज्यादा होगा। बहुत से व्यूवर्स का कहना था किचन किंग क्या होता है। किचन किंग मसाला होता है जो कि आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा और बहुत ही मजेदार बनता है किचन किंग से, और ढाबे वाले होटल वाले इस्तेमाल करते हैं किचन किंग मसाला का। जैसे ही हमारा ग्रेवी भून जाएगा, 5 से 7 मिनट तक ग्रेवी को भून लें, उसके बाद आपको डालना है यहाँ पे जो आप शिमला मिर्च को फ्राई करके रखे थे। तो लाला जी का अब लंच टाइम होने वाला है, तो फटाफट जल्दी जल्दी कर रहे हैं लाला जी। और देखिए इसे शिमला मिर्च डालने के बाद में 2 से 3 मिनट और भून लिए हैं और यहाँ पे जो आंच है तेज जल रहा है, फुल फ्लेम जल रहा है। ग्रेवी को इसलिए भूनना पड़ता है कि इसमें कच्चापन ना हो, क्योंकि कढ़ाई पनीर ग्रेवी वाला तो बनता नहीं है, सूखा ही रहता है। तो इसीलिए ग्रेवी को अच्छा से भूनना पड़ता है। यहीं पे देखिए स्वाद अनुसार नमक जाता है पनीर को ध्यान में रखते हुए। ये ऊपर से जो तेल डाले हैं लाला जी, ये जो शिमला मिर्च में से नहीं निकला था तेल, एक्सेस जो ऑयल हम निकाले थे वो इसी में ऐड कर दिए हैं, क्योंकि शुरू में ही तेल कम लिए थे लाला जी। और आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये भून रहा है, अभी तक भून ही रहा है। अब यहीं पे जाता है ये पनीर। ग्रेवी अच्छा से भून चुका है शिमला मिर्च के साथ, अब यहीं पे पनीर जाएगा। अब अच्छा से पनीर को मिक्स करना है, इसे सावधानी से मिक्स करें कि ये टूटे ना। ऊपर से कस्तूरी मेथी डाल दिए, धनिया का पत्ता खूब सारा, अब ये कढ़ाई पनीर बनके तैयार ही है दोस्तों। बस 2 से 3 मिनट और पकाएंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल हाई फ्लेम पे ये बन रहा है और बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा कढ़ाई पनीर का। तो अब देखना ये है कि मिक्स करते हैं कि नहीं लाला जी। देखिए तो कढ़ाई पनीर को मिक्स नहीं किए हैं, नीचे उतार के रख दिए हैं, जैसे कि पनीर डाले हैं ना ऊपर से, उसे मिक्स नहीं किए हैं। और आपको नजर आ रहा होगा, देखिए ये अपने आप ग्रेवी सोख रहा है और इतना कढ़ाई गर्म है कि देखिए नीचे उतार के रख दिए हैं फिर भी इसमें से उबाल आ ही रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए कढ़ाई पनीर तो बन के तैयार हो गया दोस्तों। ऊपर से डालेंगे यहाँ पे हल्का सा, जब ठंडा हो जाएगा कढ़ाई पनीर तो इसमें डाल देंगे फ्रेश क्रीम, ये देखिए। और उसके बाद हमारा ये कढ़ाई पनीर तैयार है। आप चाहें तो ऊपर से बटर भी डाल सकते हैं। तो कढ़ाई पनीर कैसा लगा दोस्तों बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और लाला जी के कस्टमर देखिए कितना चाव के साथ खाते हैं कढ़ाई पनीर, मैं आपको खुद दिखाऊंगी उन्हीं की जुबानी। तो देखिए यहाँ पे कढ़ाई को खाली कर रहे हैं लाला जी और कढ़ाई पनीर ये बिल्कुल कंप्लीट है। अब ये फटाफट लंच का टाइम हो गया है तो फटाफट लाला जी से कस्टमरों को सर्व करेंगे। तो हम मिलते हैं दोस्तों नई रेसिपी में, जब तक के लिए बाय बाय।
आप लोग तो रोज खाते हैं लाला जी के यहाँ, आप लोग रेगुलर कस्टमर हैं। और आप लोग कहाँ से आए हैं सर? मायापुरी से। मायापुरी से ही हैं। वाह, रोजाना खाते हैं लाला जी के हाथ का? नहीं नहीं, आज पहली बार। आज पहली बार आए हैं, क्या बात है। तो कैसा बनाए हैं लाला जी? एकदम बढ़िया। और क्या लिए हैं आप खाने में? हमारा है कढ़ाई पनीर और एक आलू गोभी और दाल। तो जरा सर इसका रेट बताइए, कढ़ाई पनीर क्या रेट रखे हैं लाला जी? 10 नंबर कढ़ाई पनीर। अच्छा अच्छा, दाल मखनी 10 में से 10। तो 10 में से 10 नंबर दे रहे हैं सर। और इसका जो रेट है कढ़ाई पनीर का, ये हाफ प्लेट 40 का है, फुल प्लेट 80 का। थैंक यू सर। तो आप लोग रोजाना आना पसंद करेंगे लाला जी के ढाबा पे? हाँ जी, बोलिए कुछ तो। बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद।